वेलकम बैक टू जॉन्ट सुगा सर्चिंग बाय स्टैटिस्टिक्स गाइस। यहां पे WhatsApp पे चल रही है बहुत तगड़ी हैकिंग, और यहां पे जो हैकर्स है गाइस वो एक न्यू जरिया निकाल लिए हैकिंग करने का, जहां पे गाइस कुछ वीडियो भेज के लोगों से हैकिंग की जा रही है। और लोगों को आप जानते हैं कि लोगों को जब कोई भी वीडियो भेज दिया जाता है तो लोग जरूर उसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद देखते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि उनको वीडियो से कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके फोन में कितना सारा प्रॉब्लम हो सकता है, उनका डॉक्यूमेंट चोरी हो सकता है, उनके फोन की पूरी हैकिंग हो सकती है। और यहाँ पे हैकरों ने गाइस अपना न्यू जरिया निकाला जहाँ से वो बहुत तगड़े से मतलब सबकी हैकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे WhatsApp ने इसके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। सो गाइस इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हैकर से वो किस न्यू जरिए से आपकी हैकिंग कर रहे हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए आपको बताते हैं गाइस, यहाँ पे व्हाट्सएप पे हैकरों ने अपनी हैकिंग की तूफान तो मचाई दी है, और यहाँ पे हैकरों ने एक न्यू जरिया लाया है हैकिंग करने का। और ये जो जरिया है ये बहुत गाइस मतलब ऐसा जरिया है कि लोगों को मतलब उस काम को करने के लिए एकदम वो कर देता है, जैसे कि लोग कोई चीज़ काम ना करना चाहें लेकिन जब लोगों को व्हाट्सएप पे कोई वीडियो या फिर कोई मैसेज आता है तो लोग ज़रूर उसे डाउनलोड करके देखते हैं। और इसी प्रकार से हैकरों ने व्हाट्सएप पे एक न्यू जरिया निकाला हैकिंग करने का, जो कि गाइस यहाँ पे जो हैकर्स हैं ना वो व्हाट्सएप पे हैकिंग करने के लिए अब एक MP4 एक फाइल बना रहे हैं, जो कि गाइस एक वीडियो की फाइल है, और यहाँ पे इस फाइल को उन सबको मतलब भेजा जाएगा। और जब लोगों को ये फाइल भेजा जाएगा और जब लोग इस फाइल को अपने फोन में डाउनलोड करेंगे तो गाइस जैसे वो डाउनलोड करेंगे उनके फोन में रिमोट कोड एक्सटेंशन नाम का एक ऐसा फीचर्स आ जाएगा, जिसके बाद जो हैकर्स है गाइस ना वो आपके फोन को वहां से रिमोट की मदद से पूरे फोन को कंट्रोल करेंगे। मतलब फोन तो आपका रहेगा लेकिन जो फोन की कंट्रोलिंग है वो हैकर्स के पास रहेगी, और हैकर्स पूरे आराम से अपने आपके फोन पे ध्यान दे सकते हैं, पूरे आराम से आपके फोन को एकदम लगे रहेंगे, और जब उन कुछ कोई जरिया मिलेगा बट डायरेक्टली आपका हैकिंग कर लेंगे, क्योंकि आजकल लोग तो नेट बैंकिंग एंड जो भी बैंकिंग है डेबिट कार्ड होगा सब तो फोन ही में रखते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से गाइस हैकर इस पे निगाह बनाए रहेंगे और जैसे ही थोड़ा सा मतलब कोई फायदा वाला चीज पाएंगे पर हैक कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो हैकिंग है व्हाट्सएप की ना ये एक प्रकार से हम लोग की खुद की गलती की वजह से भी होती है, और गाइस उनके गलती की वजह से होती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जब आपके फोन में आप इस MP4 साइज के फाइल को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे एक मैलवेयर होता है जो कि हैकरों के पास होता है, तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ऑटोमेटिक आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है, और ऐसी तरह से इंस्टॉल होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। और इंस्टॉल होने के बाद गाइस इसी की मदद से ये लोग आपके फोन की पूरी कंट्रोलिंग रिमोट कोड एक्सटेंशन की मदद से कर सकते हैं, और आपके फोन पे पूरा निगाह यहाँ पे बनाए रहते हैं, जिसके बाद आपकी जो फोन की हैकिंग है वो उन लोगों के बहुत आराम से कर सकते हैं, और आपके फोन पे पूरा निगाह बनाए रखते हैं, और आपके फोन का मतलब जो भी हैकिंग है जो भी डॉक्यूमेंट वो सारे वो लोग चुरा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे WhatsApp ने इसके खिलाफ बहुत सारे एक्शन तो उठाए हैं, क्योंकि WhatsApp अपना बहुत सारा अपडेट ला रहा है बहुत सारा, और WhatsApp ने अपना मुकदमा भी जारी किया है। और गाइस यहाँ पे एग्जाम्पल में इजराइल के एक पेगासस नाम के एक ऐसे व्यक्ति है जिनका गाइस WhatsApp का अकाउंट इसी के कारण हैक हुआ है, मतलब कि उनके पास MP4 साइज की एक फाइल आई थी, उन्होंने डाउनलोड किया उनके फोन में रिमोट कोड एक्सटेंशन की मदद से मैलवेयर सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हुआ, और उसकी मदद से उनके फोन की हैकिंग हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने जब हैकिंग हुई तो वो WhatsApp को मतलब मेल वेल भेजे थे, तो शायद WhatsApp ने इसके बाद मतलब ये कदम उठा लिया, अपना एक्शन दे दिया, और लोगों को ये बता रहा है, लोगों को सावधान कर रहा है ताकि लोग इसके चपेट में ना आए और लोग अपने फोन को अच्छी तरह से सेफली यूज करें और WhatsApp को सेफली यूज कर सके। तो यहाँ पे इसके बचने का तरीका यही WhatsApp ने बताया है, अगर आप अपने फोन में WhatsApp यूज करते हैं तो आप इसमें जाके सबसे पहले तो अपडेट करिए, और आपको अप टू डेट रखना है अपने WhatsApp को, मतलब कि जब भी कोई अपडेट आए तो आप अपडेट करते रहिए। और अगर इस जरिए में मतलब कि इस समय जब हैकिंग चालू है तो इस समय आपको जरूर अपडेट मिला होगा, तो आप जाइए पहले प्ले स्टोर पे WhatsApp को चेक करिए और अपडेट करिए, और गाइस अपडेट करने के बाद अपने WhatsApp को फिर यूज करना स्टार्ट करिए, और उसके बाद भी अगर आपको MP4 फाइल की साइज की कोई भी वीडियो आती है तो आप उसे डाउनलोड ना करिए और उसे तुरंत डिलीट करिए अपने फोन से, जिसके बाद आप इस हैकिंग के चपेट में ना आए और आपका जो WhatsApp है वो हैक ना हो, आपका फोन ना हैक हो, आप सेफली यूज कर सकें। और यहाँ पे मतलब यही नहीं, जितने भी आपको अप टू डेट आते रहें आप हमेशा उसे अपडेट करते रहिए, जिसके बाद गाइस आपके फोन में सिक्योर से आप WhatsApp यूज कर सकते हैं, जिसके बाद आप सिक्योरिटी से अपने फोन को भी यूज कर सकते हैं, और ना कोई हैकर्स आपके फोन को हैक करेगा और ना ही कोई कुछ गड़बड़ होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि WhatsApp में हैकरों की न्यू चाल आई है, जिससे वो हैक कर रहे हैं, और वो लोग गाइस ऐसे प्रकार से हैक करते हैं कि हम लोग को कुछ पता नहीं चलता
क्योंकि जब व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है तो वीडियो वीडियो तो लोग जरूर उसे डाउनलोड करते हैं। लोगों को क्या पता है कि गाइस उस मैसेज की वजह से इतना बड़ा मतलब वो हो सकता है, उनके फ़ोन की हैकिंग हो सकती है। लेकिन हैकर्स जो है अपनी चाल ऐसे ऐसे बना के हैक करते हैं कि हमारे फ़ोन की हैकिंग भी हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो अगर गाइस आपके भी मतलब फ़ोन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पहले अपने फ़ोन को अपडेट करिए, व्हाट्सअप को भी अपडेट करिए, और गाइस जितने भी व्हाट्सअप के अप टू डेट आते रहते हैं अपडेट करिए, और ऐसी कोई फाइल आए तो उसे डाउनलोड करना बंद करिए, इससे फाइल से कोई मतलब ना रखिए। सो यही कुछ मैं आपको बताना चाहते थे। आई होप आपको व्हाट्सअप हैकिंग के डिटेल सारी समझ में आई होगी और आप कैसे ये बच सकते हैं ये भी समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।